जो इंसान संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना पड़ता है। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके ख्वाब बड़े होते हैं, बल्कि मंजिलें उन्हें मिलती है जो जिद पर अड़े होते हैं। दोस्त, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको इन सारी बुरी आदतों को अभी के अभी दफनाना होगा, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये सारी बुरी आदतें आपको एक दिन बर्बाद कर देंगी। बहाने बनाते रह जाओगे, रोते रह जाओगे, सोचते रह जाओगे कि आज नहीं कल पढ़ूंगा, रात को पढ़ूंगा, सुबह पढ़ूंगा। लेकिन मेरे दोस्त, तुम जिंदगी में कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो जाओ और अपने सारे बहानों को दफना दो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर जिंदगी में कामयाबी पाना चाहते हो तो 2 से 3 साल डट कर मेहनत करो और अपने सारे शौक भूल जाओ। जब तुम कामयाब हो जाओगे ना, तो अपने सारे शौक पूरा कर लेना। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हो। जब सब सो रहे होंगे तब तुझे जाग कर पढ़ना होगा। बड़ा सपना तूने देखा है तो उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना होगा। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। समय के पास इतना समय नहीं जो आपको दोबारा समय दे सके। अपने लिए नहीं तो उनके लिए पढ़ो जो तुम्हें जीवन में असफल देखना चाहते हैं। समय कठोर शिक्षक है, वह इम्तिहान पहले लेता है, शिक्षा बाद में देता है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, बस समय को सही बनाना पड़ता है। भरोसा रखो अपने आप पर, ये स्टडी टेबल की लाइट एक दिन स्टेज लाइट में जरूर बदलेगी। अगर आपको जीवन में सफलता पानी है तो एक ही मंत्र पढ़ना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन बाबू सोना, बट आई एम इंटरेस्टेड इन सक्सेसफुल होना। दोस्त, अगर लगी हो बातें दिल में तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। वंदे मातरम।